हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स माइंड। मुझे उम्मीद है आप सब अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्रिक्शन का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसका एप्लीकेशन वर्क पर एनर्जी, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में भी आएगा। तो चलो आज के इस कंसेप्ट को शुरू करते हैं। इसमें फ्रिक्शन में हमें सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखना है, फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन। तो भी फ्रिक्शन का फोर्स के अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। मतलब हमारे पास ये एम मास का ब्लॉक है, यहाँ पर अगर मैंने इस ब्लॉक को समझ लो, यहाँ पे खींचा F1 के फोर्सेस डायरेक्शन में, तो जो फ्रिक्शन है ये लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में F1, और कैसा लगता है, टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टेक्ट। ये जो कॉन्टेक्ट है ब्लॉक और सर्फेस के बीच में, वो उसके टेंजेंशियल लगेगा फ्रिक्शन का फोर्स। अगर इधर खींचा ये डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन लगेगा इधर डायरेक्शन में, और अगर ये ब्लॉक को मैं इधर खींचू F2 के फोर्स से, तो फ्रिक्शन किधर, अगर इधर खींचा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, टेंजेंशियली ये डायरेक्शन में F2। तो फ्रिक्शन के अपोज करता रिलेटिव मोशन को। सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है कि हमेशा कैसा लगता है, टेंजेंशियली अलोंग कॉन्टेक्ट। और थर्ड पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है ये एग्जिस्ट करता इन पेयर। मतलब देखो हमारे पास ये दो ब्लॉक है, ए और बी। अगर देखो मैंने ये जो ए ब्लॉक है इसको एफ के फोर्स से खींचा इधर ये डायरेक्शन में, तो जब बी वाला ब्लॉक ए को दिखेगा तो ए उसको आगे के डायरेक्शन में जाते दिखेगा, तो बी ए पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में। तो ये लगाया बी ने ए पर फ्रिक्शन। अब जब ए बी को देखेगा तो बी उसको पीछे छूटता दिखेगा, तो ए बी पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा, आगे के डायरेक्शन में। तो ये किसने लगाया, ए ने फ्रिक्शन। तो हमेशा एग्जिस्ट करता पेयर में, ये तीन पॉइंट ध्यान में रखना है। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब फ्रिक्शन के दो टाइप है। सबसे पहला टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, जब कोई भी ब्लॉक या बॉडी रेस्ट पर रहेंगी, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये फ्रिक्शन कब लगेगा, जब बॉडी रेस्ट पर रहेंगी। पूरे जो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स के हिसाब से लगता, ये ध्यान में रखना। एज अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीज। मतलब ये अप्लाइड फोर्स के हिसाब से लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर अप्लाइड फोर्स को बढ़ा दिए तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, और अगर ये अप्लाइड फोर्स को कम कर दिए तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये भी कम हो जाएगा। तो ये अप्लाइड फोर्स के हिसाब से लगता। तो थर्ड पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है ये एक वेरिएबल फोर्स है, मतलब इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, चेंज होती रहेंगी। और इसकी वैल्यू जो रहती ये रहती 0 to FS max। ये जो FS max है ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसका फॉर्मूला है μs into N। यहां पर ये जो μs है ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और N क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कब लगता है, जब कोई भी बॉडी रेस्ट पर रहेंगी तब लगेगा, और अप्लाइड फोर्स के हिसाब से लगता है। अगर अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, अप्लाइड फोर्स कम होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम होगा। और एक वेरिएबल फोर्स है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये वेरिएबल फोर्स है मतलब कॉन्स्टेंट फोर्स नहीं है, और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 to FS max। FS max क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, और उसका फॉर्मूला क्या है, μs into N। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। और सेकंड टाइप का जो फ्रिक्शन है ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, व्हेन बॉडी इज इन मोशन। मतलब बॉडी के पास करेंगे कुछ वेलोसिटी, बॉडी हैव सम वेलोसिटी,
तब जो फ्रिक्शन रहेगा वो रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है काइनेटिक फ्रिक्शन का, ये म्यू के इनटू एन, यहां पर जो म्यू के ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन अभी हमने पीछे देखा है नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो स्टैटिक और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन का ये जो फोर्स है, ये जो ये कांस्टेंट फोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्टैटिक था वो क्या था, वेरिएबल फोर्स, पर ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। मतलब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन का ये जो फोर्स है, इसकी वैल्यू वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। और इसके बाद देखो, अब हम एक ग्राफ देखते, देखो इधर क्या है, फ्रिक्शन का फोर्स ये डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है। देखो जैसे मैं देखो अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाऊंगा, देखो जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स ये डायरेक्शन में बढ़ा रहा, तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही, बढ़ती जा रही, और ये एक पॉइंट है यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू जो ये मैक्सिमम हो गई, ये क्या है एफएस मैक्स। और इसके बाद एफएस मैक्स के बाद देखो, इसके बाद जैसे देखो यहां से ये पॉइंट के बाद, इसके आगे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा ये डी पॉइंट के बाद, इसके आगे जैसे जाएंगे अप्लाइड फोर्स बढ़ाने, तो यहां पर देखो एफएस मैक्स क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स ज्यादा, यहां तक क्या है एफएस मैक्स ये पॉइंट था, और ये पॉइंट जैसे अप्लाइड फोर्स एफएस मैक्स से ज्यादा हो गया, तो यहां से देखो बॉडी के आगे मोशन में, और ग्राफ क्या हो गया कॉन्स्टेंट। तो ये जो है यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आएगा, एफ के, क्योंकि यहाँ पर बॉडी के आगे मोशन में, तो यहां से यहां तक ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन है, स्टैटिक, और ये जो रीजन है इधर का ये क्या है, काइनेटिक। तो यहां से हम क्या लिख सकते इस ग्राफ से, कि एफ एस मैक्स ठीक है ग्रेटर देन एफ के, ये पॉइंट बहुत काम का है, और एफ एस और म्यू एस जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी क्या रहता है, ग्रेटर देन म्यू के। तो आई थिंक आपको एक कंसेप्ट समझ आएगा, इतना रोक कर लो, फिर हम आगे देखते। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमें नोट करना है। देखो अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन भी क्या रहेगा, जीरो। अप्लाइड फोर्स अगर जीरो है तो फ्रिक्शन भी जीरो। अगर अप्लाइड फोर्स ये लेस देन है एफ एस मैक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर इससे कम है अप्लाइड फोर्स, तो यहां पर जो है बॉडी जो रहेंगी ये क्या रहेंगी, रेस्ट पर, मतलब बॉडी चलेंगी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से अप्लाइड फोर्स क्या है, कम, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लाएगा वो लाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस, जो कि किसके बराबर रहेगा, अप्लाइड फोर्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर अप्लाइड फोर्स क्वेश्चन में लेस देन एफ एस मैक्स है तो बॉडी रेस्ट पर रहेंगी, और फ्रिक्शन कौन सा लाएंगे, ये स्टैटिक है, और किसके बराबर रहेगा, अप्लाइड फोर्स के। थर्ड पॉइंट ध्यान में रखना है, अगर अप्लाइड फोर्स एफ एस मैक्स के बराबर है तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, म्यू एस इंटू एन, और यहाँ पे कह रहे हैं कि बॉडी इज अबाउट टू मूव, और फोर्थ पॉइंट ध्यान में रखना है, अगर अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है अप्लाइड फोर्स, तो अब बॉडी क्या करेगी, मोशन में आ जाएगी, बॉडी इज इन मोशन। अब बॉडी मोशन में आ गई तो कौन सा फ्रिक्शन लेगा, काइनेटिक, तो यहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन। तो ये चार पॉइंट ध्यान में रखना है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते, हमारे पास देखो ये 10 केजी का ब्लॉक है, और हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है 0.5, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है 0.4, और अब हमें इसका मोशन स्टडी करना है। तो देखो सबसे पहले देखो ये 10 केजी का ब्लॉक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एस मैक्स निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फ्रिक्शन की, तो क्या रहेगा, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना है 0.5, और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन एन कितना आएगा 100, नॉर्मल कितना है 100, तो ये कितना आएगा 50 न्यूटन,
और यहाँ से काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा म्यू के इनटू एन, म्यू के कितना है 0.4 और नॉर्मल कितना है 100, तो ये कितना आएगा 40 न्यूटन। तो अब देखो ये हम एक एग्जांपल ले रहे, देखो अब मैंने यहाँ पर ये जो अप्लाइड फोर्स है जो मैंने लगाया बाहर से वो समझ लो यहाँ पर लगाया मैंने 45 न्यूटन का, तो अभी ये ब्लॉक चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की कितनी है 50 न्यूटन और अप्लाइड फोर्स कितना है 45 न्यूटन और ये जो अप्लाइड फोर्स है ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो ये ब्लॉक अभी क्या चलेगा नहीं, मतलब ब्लॉक क्या पे रेस्ट पर है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी हमने देखे जो जब भी कोई चीज रेस्ट पर रहेगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, और कितना लगेगा? 45 न्यूटन, ताकि ये ब्लॉक रुका रहे क्योंकि दोनों इधर फोर्सेस क्या है बैलेंस और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है जीरो। अब देखो अब समझ लो ये जो 10 kg का ब्लॉक है अभी अप्लाइड फोर्स जो है यहाँ पे मैंने कर दिया समझो 50 न्यूटन का लगाया, तो अब अप्लाइड फोर्स कितना होगा 50, तो अब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? मैक्सिमम वैल्यू जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की 50 न्यूटन, तो पीछे जो आएगा अभी कौन सा लगेगा? एफएस मैक्स, जो कितना लगेगा 50 न्यूटन। अभी ब्लॉक चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि अप्लाइड फोर्स किसके बराबर है? एफएस मैक्स के, तो ब्लॉक अभी भी कहां पे? रेस्ट पर है, अभी ब्लॉक चला नहीं। समझ लो ये जो अप्लाइड फोर्स है मैंने समझ लो यहाँ पे कर दिया 51 न्यूटन का, तो अब देखो अप्लाइड फोर्स जो है 51 न्यूटन है और मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की कितनी है 50 न्यूटन, तो यहाँ पे ये अप्लाइड फोर्स जो है ये क्या हो गया? ज्यादा हो गया एफएस मैक्स से, तो अब यहाँ पे बॉडी क्या आएगी? मोशन में। तो अगर बॉडी मोशन में आ गई तो कौन सा फ्रिक्शन आता? काइनेटिक। अब काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, कितना लेंगे? 40 न्यूटन का। अब देखो यहाँ से ब्लॉक क्या करेगा? एक्सेलरेट। तो देखो एक्सेलरेशन क्या आएगा? आगे के डायरेक्शन में, इधर 51 न्यूटन इधर 40 न्यूटन। अब इसके बाद देखो समझ लो जो 10 kg का ब्लॉक है, अब समझ लो मैंने यहाँ पे फोर्स कर दिया 55 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स कितना कर दिया 55 न्यूटन। अब भी कौन सा फ्रिक्शन लेंगे? काइनेटिक, क्योंकि अप्लाइड फोर्स जो है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से क्या है? ज्यादा। तो अब ब्लॉक के पास क्या आ गया था? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वजह से उसने क्या गेन किया? वेलोसिटी। समझ लो उसने वेलोसिटी गेन किया ब्लॉक ने 12 m/s, और अभी भी फ्रिक्शन कौन सा लेंगे? काइनेटिक, और कितना लेंगे? 40 न्यूटन, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये कॉन्स्टेंट फोर्स रहता है और ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी कितनी भी रहेंगी समझ लो आगे जाके 15 m/s हो गई तो भी काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लेगा? 40 न्यूटन। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। उसके बाद अगर ये अप्लाइड फोर्स जो है ये समझ लो ये वाला जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स, अब मैंने कर दिया समझ लो फिर से कम कर दिया, अब समझो किया 51 न्यूटन, तो भी ब्लॉक क्या करेगा? एक्सेलरेट। तो कौन सा फ्रिक्शन लेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन 40 न्यूटन, क्योंकि अभी भी अप्लाइड फोर्स जो है ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है और समझ लो ब्लॉक की वेलोसिटी आ गई 15 m/s। अब जो अप्लाइड फोर्स है मैंने समझ लो कर दिया 40 न्यूटन का, तो देखो अभी वेलोसिटी कितनी है ब्लॉक की? 50 ना, तो अगर अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन कर दिया तो पीछे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा? ब्लॉक मोशन में होने की वजह से काइनेटिक। तो अभी देखो फोर्सेस क्या हो गई? बैलेंस। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा? जीरो, क्योंकि फोर्सेस क्या होगी? बैलेंस। अब मतलब एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। तो ब्लॉक क्या चलेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर अप्लाइड फोर्स ऐसा दिया है क्वेश्चन में, अगर अप्लाइड फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। ये पॉइंट ध्यान में रखना, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रही तो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर रहेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब देखो अब समझो ये अप्लाइड फोर्स जो है ये समझ लो क्या 35 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स मतलब हम जो बाहर से लगा रहे ये अप्लाइड फोर्स जो है समझ लो क्या 35 न्यूटन, और अभी फ्रिक्शन अब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट, तो कितनी वेलोसिटी? 15 m/s, और काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे क्योंकि ब्लॉक क्या है मोशन में, कितना लेंगे काइनेटिक? 40 न्यूटन। तो अब देखो यहाँ से ब्लॉक क्या करेगा? रिटार्ड, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन का फोर्स क्या करेगा? रिटार्डेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर रहेगा? ये डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक क्या होगा? रिटार्ड, और कुछ देर के बाद ब्लॉक क्या हो जाएगा? रेस्ट पर आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्लॉक फाइनली क्या आ गया? रेस्ट पर, और वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा था? 35 न्यूटन। तो अब देखो
अप्लाइड फोर्स कितना है 35 न्यूटन, तो अब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, फिर से स्टैटिक, क्योंकि बॉडी जो है ये कहाँ पर आ गई, रेस्ट पर, तो पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा 35 न्यूटन, ताकि एक्सेलरेशन क्या रहे जीरो, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तभी फोर्सेस करेंगे बैलेंस और तभी बॉडी करेंगे रेस्ट पर। तो आई थिंक आपको ये मोशन समझ आया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।